इस तरह की घटनाओं को हम रोकने का प्रयास करें और एक बहुजन समाज का निर्माण करें। देखिए, वाल्मीकि समुदाय या सफाई कामगार जातियां हैं, ऐसा नहीं है कि जो पहले उनका दृष्टिकोण रहा लगातार बदला है, और विभिन्न जातियां जो बहुजन समाज जातियां हैं उनमें अंबेडकरवादी आंदोलन को वो लेकर चली है, तो सफाई कामगार जातियों में भी अंबेडकर धीरे धीरे पहुंचा है, मध्यम गति से धीरे गति से वो पहुंचा जब अब इतना जरूर हो गया है कि उनकी सभाओं के अंदर आपको वाल्मीकि फोटो नजर आने लगी है, उनके विचार जय भीम वहाँ तक भी पहुँचा है और बाबा साहब का मिशन भी वहाँ तक पहुँचा है। एक संदेह लगातार काफ़ी लंबे समय तक रहा है कि जब भी अंबेडकर की बातें सफाई कर्मचारी जातियों के बीच में की गई है तो लगातार ये आरोप लगता रहा है कि ये कहीं का और प्रोजेक्ट है, उसकी बात क्यों की जा रही है। अब ये समझ में आ रहा है कि जो महार जातियाँ हैं ये भी सफाई कामगार जातियों में से एक है जिसमें बाबा साहब अंबेडकर तालुकात रखते हैं। उसके बाद जो कई एक समस्याएं जो हमारे सामने आ रही है इस वर्ग में विशेष रूप से वो ये आ रही है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसने अपनी भूमिका उस रूप में निभाई नहीं है जिसको हम कहते हैं पे बैक टू सोसाइटी के अंदर। पढ़ा लिखा समाज आगे आया है और वो भूल गया। मैं ये नहीं कहूँगा जो पिछला पीछे जो समाज रह गया उसकी कुछ गलतियाँ रही, यहाँ पर जो लीडरशिप उसको करनी चाहिए थी पढ़े लिखे समाज को वो कर नहीं पाया है, तो एक सामंजस्य बैठाने की जरूर है पढ़े लिखे समाज के अंदर और आम समाज के अंदर, क्योंकि सबकी ड्यूटी बनती है, पढ़े लिखे समाज की भी ड्यूटी बनती है कि वो पढ़ लिख कर अम्बेडकरवादी चेतना के अंतर्गत और जैसा आज का विषय रखा गया फूले अम्बेडकरवादी चेतना के अंतर्गत समाज का वो विकास करता, अवेयरनेस करता, तो वो बहुत मध्यम गति से यहाँ तक पहुँचे। अब वो क्यों नहीं पहुँची है, जब हम पढ़े लिखे समाज से बात करते हैं तो उसके आरोप अलग, और जब आम आदमियों के बात करते तो बराबर कहते हैं कि हमारा समाज हमें भूल गया, तो दोनों आरोप अपनी जगह ठीक है, कैसे सामंजस्य बैठेगा, क्योंकि लोग हमें चाहिए बदलने के और वो टनल भी चाहिए, और हमारे जितने भी ये महापुरुष लोग हैं लगातार ये प्रयास करते रहे हैं कि हम लोगों को ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी कि हम लोग जो समाज है उसको हम जागरूक करें, इसलिए एक तारतम्य बढ़ाने की जरूरत एक आवश्यकता महसूस जरूर है पढ़े लिखे समाज के अंदर और आम समाज के अंदर। ये बाकी जातियों के साथ भी समस्या है और सफाई कामगार जातियों के साथ भी एक समस्या है। एक दूसरी बात ये मैं बराबर कहता आ रहा हूँ कि समाज में काशीराम और मायावती अभी तक मिल नहीं पाए, और यदि सफाई कर्मी जातियों को मायावती काशीराम मिल पाता तो शायद वो स्थिति नहीं हो पाती। ये समाज भी बहुत आगे बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि जागरूक नहीं है, इसका अपना अपना इतिहास रहा है और इसका सोचने का मापदंड भी अलग रहा है। मैं इतिहास में जाना नहीं चाहूँगा लेकिन हम सबको पता है बाबा साहब अंबेडकर को खून से लेटर लिखने वाली भी यही जाति है, इसलिए इसको नज़रअंदाज करना एक तरह का बहुत ही गलत होगा, इस पर हमें फोकस करना होगा और इसको भी जागरूक करना होगा। सफाई कामगार जातियों की अपनी समस्या रही है, ऑल इंडिया लेवल पर अलग नामों से वो जाने जाते रहे हैं। आप देखिए कि सफाई कामगार जातियों की अलग अलग यूनिट बनी है, अपने अपने संगठन बने, उनकी समस्याएं आप देखोगे जो लीडरशिप आई है उसने अदम धोखा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर का एक कथन है, उन्होंने सफाई कर्मचारियों के बारे में बताया है, इनके पास वो ताकत है यदि वो चाहे तो समाज को बदल सकते हैं, क्योंकि यदि ये वो ऑल इंडिया रूप से आंदोलन ऐसा कर पाते हैं तो उसके एक 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 समाज में प्रभाव होगा। लेकिन आप देखिए कि यूनियन इतनी ज़्यादा बनी है, संगठन इतने ज़्यादा बने हैं, उनके छोटे छोटे मापदंड, किसी को पक्का करवाना है, किसी को भर्ती करवाना है, उस तरह की समस्याएं लगातार उनके अंदर आती रही हैं, ये एक बड़ी समस्या है। एक जो समस्या मुझे नज़र आ रही है वो ये है, मुझे लगता है अध्यक्ष साहब इस पर गौर करेंगे, एक खास तरह का एथिक्स आता जा रहा है और ये एथिक्स पंजाब से ज़्यादा है, पंजाब के साथी बैठे हैं तो वो बताने की कोशिश करेंगे ये एथिक्स किस रूप में फूले अम्बेडकरवादी चेतना को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेगा। ये जो नया कल्चर आ रहा है वो ये आ रहा है सरनेम का,
हमारे बहुत सारे लोग अपने सरनेम के साथ मेघनाथ, अछूत, भंगी, कुंभकर्ण, रावण नाम का टाइटल लगा लेते हैं। अब ये एथिक्स किस तरह का है ये हमें समझ नहीं। अछूत लगाते हैं, मेघनाथ लगाते हैं, रावण लगाने लगे, तो ये क्या लाभ देगा? मुझे ये समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि वक्ता रूप इस पर जरूर फोकस करेंगे। ये जो एथिक्स आया है ये किस तरह का है? एक बात और भी है जो वो है कि संगठन बहुत सारे, पर एक बात हमें ये भी एक कमजोरी नज़र आती है, जितने ज़्यादा संगठन बनेंगे तो अच्छी स्थिति है, उसको तो अच्छी नज़रों से हम देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऑल इंडिया मैसेज जाना चाहिए संगठनों का वो नहीं जा रहा है। तो क्या जितने संगठन बनते हैं किसी कॉमन प्रोग्राम के अंतर्गत क्या सारे संगठन एक केंद्र में जुड़ पाते हैं? क्योंकि जिस तरह के हालत देश में बनते जा रहे हैं, क्या सफाई कामगार जातियाँ या बहुजन समाज के जो संगठन है वो एकजुट होकर ऑल इंडिया मैसेज को सपना दे पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल मुझे नज़र आता है। इसके अलावा जो सफाई कामगारी जातियों की हम बात करते हैं उसमें आंदोलन ऐसा नहीं हुआ है, पर जो एक मोटा रूप मुझे नज़र आता है वो ये आया है कि सफाई कामगार जातियों के अंदर धार्मिक आंदोलन अब तक ज़्यादा हुआ, और हमें फर्क नज़र आना चाहिए। धार्मिक आंदोलन एक अलग चीज़ है और सामाजिक आंदोलन एक अलग चीज़ है। जिस फूले अम्बेडकरवादी चेतना की हम बात करते हैं ये सामाजिक, इसलिए सामाजिक और धार्मिक आंदोलन में हम सबको गैप रखना चाहिए। जितने भी ज़्यादा आंदोलन हुए वो सारे धार्मिक आंदोलन हुए, इसलिए सामाजिक आंदोलन जब तक हो नहीं पाएगा तब तक ना तो लीडरशिप आएगी और ना उनकी समस्याओं का निवारण हो पाएगा। तो ये भी एक प्रमुख समस्या यहाँ पर बड़ी नज़र मुझे आती है। एक मेरा एक आग्रह भी है, सफाई कामगार जातियों पर जब हम काम करते हैं या उनकी बात करते हैं तो देखिए जिस मिशन की काशीराम ने बात कही थी वहीं से सफाई कामगार जातियों का भी मुझे लगता है कि समस्याओं का हल हो पाएगा। माननीय काशीराम जी ने जितनी भी चमार जातियाँ, जो 17 प्रमुख चमार जातियाँ रहेंगी, जाटव, कुरीन, दोहरे, अहिरवाद, रैगर, सतनामी, मेघवाद और बैरवा जाति को इकट्ठा किया और आज वो एक बड़ा एक दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए जितने भी वाल्मीकि उपजातियाँ हैं, चाहे वो भंगी है, चूड़ा है, वाल्मीकि है, धोबी है, धानक है, डोम है, डुमार है, मेहतर है, क्या उनको इकट्ठा होकर एक मंच पर नहीं आना चाहिए और इकट्ठा होकर बहुजन समाज की परिकल्पना करनी चाहिए? मुझे लगता है कि जैसा चमार उपजातियों को इकट्ठा करने के बाद वो एक पूरे ऑल इंडिया अपना मैसेज दे रहे हैं, क्या सफाई कामकर्मी जातियों की उपजातियों को इकट्ठा होकर अपनी बात नहीं रखनी चाहिए? एक बिहार के बहुत बड़े ऑफिसर से मैं बात कर रहा था, वो मेहतर जाति से, उन्होंने मुझसे सवाल किया क्या वाल्मीकि जाति और मेहतर जाति एक ही है? आप देखिए कि जो पढ़ा लिखा समाज है उसको भी ये बात समझ में नहीं आ पा, इसलिए उपजातियों को मर्ज करने की बात हमें जरूर करनी चाहिए और केवल उपजातियों पर समाज तैयार नहीं करना। हम सबकी अगर मुक्ति अगर हो सकती तो बहुजन में ही हो सकती है। मैंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हमें तैयार करना है। ये मेरा अपना आग्रह हो सकता है और जरूरी नहीं है इस आग्रह के साथ, क्योंकि मैं माननीय काशीराम के जो कदम है उसको बहुत प्रमुख मानता हूँ। उन्होंने 17 जो उपजातियों को इकट्ठा किया तो आज वो चमार वर्ग एक बड़ा संदेश अगर वो दे सकता है तो कम से कम सफाई कर्मी जातियाँ उपजातियों को भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी बात रखनी चाहिए। मेरा आग्रह सिर्फ इतना सा है। और भी बहुत सारे महापुरुष अपने यहाँ के हुए उनकी भी हमें बात करनी चाहिए और पे बैक टू सोसाइटी के अंतर्गत उन सब की हमें बात बिल्कुल करनी चाहिए। मेरा आग्रह इतना सा है और एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात मैं शुरू करूँगा और मैं ऐसा आग्रह भी रखता हूँ इसके बाद जो वक्ता आएंगे और निस्संदेह सफाई कर्मी जातियों की प्रमुख समस्याएँ और न केवल समस्या उसके समाधान की भी बात करेंगे। यूपी में यादव जाति कितने परसेंट है हम सबको पता है, जब वो सरकार तैयार कर सकते या सरकार बना सकते तो पंजाब एक बड़ा राज्य है और दिल्ली भी एक बड़ा राज्य है, तो वहाँ पर लीडरशिप नहीं आ पा। और पंजाब की मैं बार बार इसलिए बात करता हूँ और उसके साथ दिल्ली की भी बात करता हूँ,
लगातार हमारे लोग एक बात कहते आए कि यहाँ पर संख्या जैसे दिल्ली में 25 लाख है, 30 लाख है, 35 लाख है, जब कोई घटना होती है, कोई समस्या आती है तो वो कहाँ पर संख्या है, केवल भीड़ है या कोई जागरूक समाज हमने तैयार करना है। मुझे लगता है कि हम सबको एक जागरूक समाज तैयार करना है जो फूले अम्बेडकरवादी चेतना के अंतर्गत हमारे अपने लोगों की बात करें और जिसको हम जस्टिस कहते हैं और जिसको हम समानता कहते हैं और जिसको सही मानों में स्वतंत्रता कहते हैं, उसकी हम परिकल्पना जरूर करेंगे। और मैं ऐसा एक बात अपने मन पर ये लेकर आया हूँ क्योंकि इसके बाद बाकी वक्ता बोलेंगे। मैं एक बात कहूँगा कि सफाई कर्मी जातियों में बड़े रूप में मैं एक बात देखता रहा हूँ। दिल्ली के लेवल पर एक बड़ा नाम, मैं चूँकि व्यक्तिगत रूप से उस शख्सियत को जानता हूँ, माननीय वीर सिंह बोध साहब, जिसको मैं 30 वर्षों से लगातार देख रहा हूँ, जिस व्यक्ति की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। और यदि मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ तो मैं ये जरूर ये बात कहूँगा, अगर वाल्मीकि समाज का कोई काशीराम है तो माननीय वीर सिंह बोध साहब। ये लगातार ये बात कहने की कोशिश है और ऐसा नहीं है कि सफाई कर्मी जातियों के अंदर ये फूले अम्बेडकरवादी चेतना नहीं पहुँची है। व्यक्तिगत रूप से मैं एक घटना को उल्लेख मैं जरूर करूँगा। हमारे पीछे एक बहुत बड़ी शख्सियत बैठे हैं, माननीय सत्यनारायण सत्ता जी, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ। इन्होंने अपने बेटे की जब शादी की थी, इन्होंने विदाउट दहेज के शादी की थी, यदि इनकी बात अच्छी लगे और मेरी भी बात आपको अच्छी लगे तो तालियों के साथ। तो ये सही मामलों में आप देख रहे हैं बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक अम्बेडकर बात पहुँच रहा है और ऐसा ही हम सबको समाज तैयार करना है और निसंदेह हम ऐसा करके रहेंगे। मैं अपना जो उद्घाटक वक्तव्य है इसी बात के लिए मैं इसी बात पर अपनी खत्म करता हूं, क्योंकि मैं एक उम्मीद लेकर आया हूं, जरूर इस मंच के माध्यम से समाधान पहुंचेगा और सफाई कर्मी जातियों में जो हम काम कर रहे हैं, फूले अम्बेडकरवादी चेतना निसंदेह जो चार महिला वक्ता बैठी है तो इससे एक संकेत मिल रहा है कि यकीनन हम सब उस दहलीज पर जरूर पहुंचे हैं जहां पर हम एक बड़ा परिवर्तन के लिए बिल्कुल तैयार हैं और ऐसा होकर रहेगा। जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।